हेलो स्टूडेंट्स, इट्स आर साइंस वर्कशीट नंबर 7 फॉर क्लास 8th, शेड्यूल्ड टू बी डन ऑन 16th अक्टूबर 2020। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट फूड पॉइजनिंग। आपने कई बार सुना होगा बेटा ये वर्ड, फूड पॉइजनिंग हो गई, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, डॉक्टर ने कहा फूड पॉइजनिंग थी, इसलिए मुझे वॉमिटिंग हो रही थी, इसलिए मुझे लूज मोशन हो रहे थे, मेरा स्टमक अपसेट था, मेरे स्टमक पेन था। बच्चे जनरली ये कंप्लेंट करते हैं, तो देखिए आज हम जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है। यस्टरडे पिंकी वेंट टू अ पार्टी अलॉन्ग विद हर ब्रदर। पिंकी कल कहाँ गई, एक पार्टी भी गई अपने भाई के साथ। दे एट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्नैक्स लाइक केक, पेस्ट्री, नूडल, पिज्ज़ा, बर्गर एक्सेट्रा। आफ्टर रिटर्निंग होम हर ब्रदर कंप्लेंड ऑफ सीवियर स्टमक पेन, वॉमिटिंग एंड लूज मोशंस। अब पिंकी जब वापस आ रही थी तो उसके भाई ने, उन्होंने क्या खाया, देखो हम पार्टी में जाते हैं सब कुछ खाते हैं, स्नैक्स खाए, केक खाए, पेस्ट्री खाई, नूडल्स खाए, पिज़्ज़ा खाए, बर्गर खाया, तो सब कुछ जो था उनका जो मन किया उन्होंने सब खाया, लॉट्स ऑफ जंक फूड। और उसके बाद क्या हुआ, वापसी में उसके भाई के पेट में बहुत बुरी तरह से पेट दर्द होने लगा, उसको उल्टियाँ होने लगी, उसको लूज मोशन हो गए, उसका स्टमक अपसेट हो गया। हर फादर टुक हर ब्रदर टू हॉस्पिटल वेयर द डॉक्टर टोल्ड देम इट इज़ ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। अब वो पापा जब उसके घर पे वो पहुँचे तो पापा उसको हॉस्पिटल लेके गए और डॉक्टर ने वहाँ पर क्या कहा कि जो दर्द हो रहा है वो हो रहा है फूड पॉइजनिंग की वजह से। तो फूड पॉइजनिंग, तो बच्चे तो एकदम से बेटा फूड पॉइजनिंग, पिंकी सेड फूड गिव्स अस एनर्जी, देन हाउ कैन इट बी पॉइजनस, जब फूड तो हमें एनर्जी देता है तो वो पॉइजनस कैसे हो सकता है। टुडे वी विल लर्न, वी विल ट्राई टू लर्न अबाउट फूड पॉइजनिंग। तो देखिए आज हम फूड पॉइजनिंग के बारे में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, ये आपको पिक्चर में भी दिखाया जा रहा है। देखिए पिक्चर में ये जो बच्चा है इसने अपने पेट में क्या क्या डाल दिया और उसके वो सब कुछ डालने से यहाँ पे देखिए अलग अलग बैक्टीरियाज आ गए, अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अब इसके पेट में आ चुके हैं, उसने अलग अलग चीज़ें जो कंज्यूम की और उसकी वजह से उसको स्टमक एक हो रहा है। तो देखिए उसके बाद क्या हुआ, अब हम जानेंगे कि फूड पॉइजनिंग है क्या, जो डॉक्टर्स कहते हैं कि फूड पॉइजनिंग हो गई। फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड व्हेन वी ईट स्टेल, बासी फूड खाते हैं जब हम, विच हैज़ बीन स्पॉइल्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें दिखते नहीं और वो खाना क्या हो सकता है, हो चुका होता है, ख़राब हो चुका होता है, जहरीला हो चुका है हमारे लिए, लेकिन वो जंक फूड वो कितने दिनों से बना के, कितना रेडीमेड आइटम जो वो पहले से रखते हैं। तो बेटा फ्रेश फूड इसीलिए कहते हैं कि फ्रेश फूड खाओ, घर पे बना खाना खाओ, तो वो सारा खाना क्या है, वो स्टेल फूड है, वो बासी खाना है। तो ऐसा खाना जो ख़राब हो चुका है, जो बर्बाद हो चुका है बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, समटाइम माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आर फूड, और वो जो हमारे फूड पे ग्रो कर जाते हैं, प्रोड्यूस टॉक्सिक्स पॉइजन्स, पॉइजनस सब्सटेंसेस, इन इट कैन लीड टू सीरियस इलनेस और इवन डेथ। बेटा ये डिपेंड करता है कि वो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म था जो उस फूड के साथ हमारी बॉडी में चला गया और उसके पॉइजन्स जो थे, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग है कि उससे फाइट कर सके, और इतना ज़्यादा ये बुरा असर डालता है कि देखिए बेटा आपके स्टमक से ही पूरी बॉडी कनेक्टेड है, पूरा एनर्जी सोर्स आपका स्टमक, और वहाँ पे ही जो खाने का डाइजेशन है उसमें ही अगर ये इस तरह के सारे ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस तरह से देखिए कितने सारे उसके स्टमक में आ गए, तो वो इतना बुरा असर डालते हैं कि कई बार डेथ भी हो जाती है। तो देखिए ईकोलाई एंड सेल्मोनिला आर टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉज्ड, ये दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम बताए गए हैं जो जनरली मिलते हैं बहुत आसानी से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये डेवलप हो जाते हैं हमारे फूड पे, एक का नाम है ईकोलाई और दूसरा है सेल्मोनिला, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड पॉइजनिंग कॉज करते हैं। अब देखिए पर्सन सफरिंग फ्रॉम फूड पॉइजनिंग में शो फॉलोइंग सिम्टम्स, उसके क्या लक्षण होंगे अगर उसको फूड पॉइजनिंग है, वॉमिटिंग हो रही होगी, पेन इन स्टमक है, लूज मोशंस हो जाते हैं, लॉस ऑफ हंगर, भूख नहीं लगती, हाई फीवर हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर बोलने की सॉरी बेटा आदत हो जाती है ना हम लोगों को, तो हाई एकदम से वो निकलता है, सॉरी, एंड वॉमिटिंग हो गई है उसको, पेन हो गई है पेट में, बहुत ज़्यादा पेट ख़राब हो गया, बार बार उसको लूज मोशंस हो रहे हैं, लॉस ऑफ हंगर मतलब भूख नहीं लग रही, और उसकी वजह से क्योंकि इन्फेक्शन है स्टमक में तो उसकी वजह से क्या हो गया बेटा, हाई फीवर हो जाता है, बहुत तेज़ बुखार हो जाता है। कभी भी इन्फेक्शन होता है तो हमारी बॉडी जब उससे लड़ रही होती है तो बहुत तेज़ फीवर हो जाता है। वेज ऑफ प्रिवेंशन ऑफ फूड पॉइजनिंग, अब फूड पॉइजनिंग से हम बच कैसे सकते हैं, ऑलवेज ईट क्लीन एंड कवर्ड फूड,
हमेशा कैसा खाना खाएं, क्लीन खाना खाएं, कवर्ड फूड खाएं, फ्रेश फूड खाएं, ऑलवेज वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर कंज्यूमिंग मील्स, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हमेशा हाथ धोएं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मस्ट बी वॉश बिफोर यूज़, जो खाने के फ्रूट्स हैं वेजिटेबल्स हैं उनको हमेशा खाने से पहले क्या करना चाहिए, वॉश करना चाहिए, रॉ वेजिटेबल्स एंड मीट मस्ट बी कुक्ड प्रॉपरली, जो रॉ वेजिटेबल्स हैं कच्चा सब्जियां हैं या मीट है, नॉनवेज खाते हैं जो लोग, तो उसे अच्छे से पहले कुक करना चाहिए ताकि उस वो अच्छे से जो भी अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाई चांस है तो वो क्या हो जाएगा, वो डाई कर दे, वो मर जाएगा अच्छे से अगर आप कुक करेंगे तो, वो स्टेरलाइज, आपका कोई खाने में कुछ नहीं बचेगा अगर वो ढंग से कुक किया हुआ होगा तो। अब देखिए, ट्राई टू ईट फ्रेश फूड, जो अभी हमने कहा कि सबसे पहली बात है कि हमें फ्रेश फूड ही खाना चाहिए, लेकिन घर में हम खाना बनाते हैं थोड़ा बहुत बच जाता है, इफ़ द फूड इज़ लेफ्ट ट्राई टू कीप इट इमीडिएटली इन रेफ्रिजरेटर फॉर फ्यूचर कंजप्शन, अगर खाना बच भी गया है तो बेटा उसको फटाफट, उसको बाहर ना छोड़िए, उस पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कॉन्टैक्ट में मत आने दीजिए, और उसको फटाफट उसको आप ठंडा करने के बाद फ्रिज में रखिए ताकि वो नेक्स्ट टाइम आप जब उसको यूज़ करें तो ख़राब ना हो। अब हमारे आज के क्वेश्चन हैं जो हमें करने हैं, हमारे आज के क्वेश्चन हैं, वॉट इज़ फूड पॉइजनिंग, पहला क्वेश्चन है वॉट इज़ फूड पॉइजनिंग, तो देखिए ये हमारा आंसर है, आंसर नंबर वन है आपका, ये आंसर नंबर वन, फूड पॉइजनिंग इज कॉज व्हेन वी ईट स्टेल फूड विच हैज़ बीन स्पॉइल्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे, देखिए बेटा हवा से भी आ सकते हैं, पड़े पड़े भी उसमें जर्म्स डेवलप हो जाते हैं। अब सेकंड है, हाउ डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज फूड पॉइजनिंग, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड पॉइजनिंग करते कैसे हैं, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फूड में हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड प्रोड्यूस टॉक्सिक पॉइजन सब्सटेंस, इट कैन लीड टू सीरियस इलनेस और इवन डेथ, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फूड में थे जब हमने उसको कंज्यूम कर लिया और वो क्या करते हैं उस फूड में वो अपने पॉइजनस सब्सटेंसेस छोड़ देते हैं और वो पॉइजनस सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में जाके इन्फेक्शन करते हैं और वो इतना ज़्यादा हम बीमार हो जाते हैं कि कई बार हो सकता है कि किसी की डेथ भी हो जाती है। तो अब देखिए नेक्स्ट है, नेम टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉज फूड पॉइजनिंग, तो यहाँ पर आपको आंसर नंबर थ्री जो कहा गया है, तो आंसर नंबर थ्री क्या बेटा, अभी हमने पढ़ा था, आंसर नंबर थ्री है हमारा ये ई कोलाई एंड सेल्मोनेला, ये जो है ये दो ऑर्गेनिजम्स हैं जो फूड पॉइजनिंग कॉज करते हैं, जनरली ये ऐसे ये दोनों होते हैं। अब देखिए उसके बाद है, राइट फोर हैबिट्स दैट कैन हेल्प अस टू प्रिवेंट फूड पॉइजनिंग, तो फूड पॉइजनिंग को से बचने के लिए आप कौन सी फोर हैबिट्स, तो ये सारी हैबिट्स बेटा आप ये सारी हैबिट्स ही आप ये कर लीजिए, क्यों, क्योंकि फोर आपके पास ये है कि थी फाइव, तो आप फाइव लिखिए ताकि आपको याद रहे और एग्ज़ाम टाइम पे भी और जनरली भी हमें सबको पता होना चाहिए, ऑलवेज ईट क्लीन एंड कवर्ड फूड, ऑलवेज वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर कंज्यूमिंग मील्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मस्ट बी वॉश बिफोर यूज, एंड रॉ वेजिटेबल्स एंड मीट मस्ट बी कुक्ड प्रॉपरली, ट्राई टू ईट फ्रेश फूड, इफ़ द फूड इज़ लेफ्ट Try to keep it immediately in refrigerator for future consumption. तो ये आपका आंसर है, आंसर नंबर फाइव। अब देखिए आपका आंसर नंबर फोर था बेटा, ये आपका है आंसर नंबर फोर, ये है आपका आंसर नंबर फोर, आपको वेज बताने थे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। अब इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव है राइट फोर सिम्टम्स ऑफ फूड पॉइजनिंग, तो ये बेटा ये देखिए फोर सिम्टम्स ऑफ फूड पॉइजनिंग में क्या क्या लक्षण होते हैं फूड पॉइजनिंग के, पर्सन सफरिंग फ्रॉम फूड पॉइजनिंग में शो फॉलोइंग सिम्टम्स, वॉमिटिंग, पेन इन स्टमक और लूज मोशंस, लॉस ऑफ हंगर, हाई फीवर, तो ये पांच हैं, आप पांचों के पांचों भी लिख सकते हैं नहीं तो फोर लिख सकते हैं, कई बार ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आते हैं तो आपको पाँचों अभी कॉपी में लिख लेना चाहिए, क्योंकि बेटा इससे क्या होगा आपको सारे सिम्टम्स पता होंगे और कभी ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, MCQs का क्वेश्चन है, अगर उनमें से कोई ऑप्शन आता है तो आप इजीली उसको जज कर सकते हैं, इसलिए कॉपी में लिखिए, उसमें से फिर पेपर में जो इजी लगे, दो पूछे जाएंगे तो आप कोई भी दो या तीन लिख सकते हैं जब पूछा जाए। देन हमारा बेटा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जैसे हमें पता है कि अभी कोरोना वायरस की वजह से हमारा कोविड 19 जो है इसके पेंडेमिक की वजह से ही आज हम ये वो यूट्यूब के थ्रू पढ़ रहे हैं,
तो हम जल्दी से चाहेंगे वापस मिलना। इसके लिए हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना है और ये अवेयरनेस क्रिएट करनी है। इसीलिए आपको बार बार हर वर्कशीट के साथ कोविड कैब मैसेज दिया जा रहा है, जो है टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट COVID-19 वियर अ मास्क। एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर फॉलोइंग ऑल द गाइडलाइंस एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस। आप सभी को जागरूक कर रहे हैं और सभी को समझा रहे हैं कि ये सब फॉलो करना हमारे लिए ही बहुत ज़रूरी है, बिकॉज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और बेटा, कीप लर्निंग, इंजॉय लर्निंग, स्टे कनेक्टेड, प्लीज़ कनेक्टेड रहिए और सेफ रहिए, हेल्दी रहिए। और कनेक्टेड हम तभी रह सकते हैं जब आप सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आप समय पर अपना काम कर सकें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।